गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी दैट मीन्स असमानता की अवधारणा। असमानता क्या होती है? इनइक्वालिटी, व्हाट इज इनइक्वालिटी, असमानता किसे कहते हैं? तो जैसा हमारे नेम से ही जो है क्लियर है, इनइक्वालिटी इज अ कंसेप्ट दैट इज सम डिफरेंसेस बिटवीन टू पीपल्स और टू ग्रुप्स और टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड इज इनइक्वालिटी। जब दो समूह, दो व्यक्ति या दो चीज़ों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव या अंतर किया जाता है, उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। और हम यहाँ पर हमारी इंडियन सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसके बारे में बात करेंगे। इनइक्वालिटी इज अ कंडीशन इन विच रूल्स ऑफ सोसाइटी ट्रीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंट ग्रुप्स। जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब समाज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो समूहों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव किया जाता है, उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रूल्स ऑफ सोसाइटी गिव्स द ग्रुप मोर और लेस राइट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड और प्रॉपर्टी देन अदर्स। इसमें उदाहरण के तौर पे हम इस तरह समझते हैं कि समाज के नियम इस तरीके से हैं कि समाज के नियमों के अकॉर्डिंग एक समूह को दूसरे समूह की तुलना में उसके किसी भी प्रॉपर्टी या ट्रेड, व्यापार या अदर किसी भी क्राइटेरिया के बेस पर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और सम ग्रुप डिप्राइव फ्रॉम देयर डेवलपमेंट, इट विल बी कॉल्ड ऑल्सो इनइक्वालिटी। या जो एक कुछ समूह हैं, वो डेवलपमेंट के आधार पर उनका जो पतन किया जा रहा है, यानी कि उन्हें खुद का विकास करने के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, समाज के नियम उनके रास्ते में बाधा बन रही हैं, तो इस कंडीशन को भी हम इनइक्वालिटी कहते हैं। Likewise, if the state discriminated between different groups to obtain power and economic resources, it is also a condition of inequality. या जो राज्य के नियम हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो विभिन्न समूहों के बीच में जो है उसकी पावर, उसकी शक्ति, आर्थिक जो रिसोर्सेज हैं उसके बेस पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, समूहों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये भी असमानता की एक स्थिति होती है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता की विशेषताएं क्या होती हैं। असमानता की विशेषताएं, दैट मीन्स असमानता की जो एक उसमें कौन सी थिंग्स अवेलेबल होती हैं, किस बेस पर डिसाइड होता है दैट इज इनइक्वालिटी। द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी इज सोशल। असमानता की प्रकृति जो होती है वो सामाजिक होती है, दैट मीन जो असमानता की प्रकृति है वो सामाजिक होती है, इसका जन्म समाज से, समाज की स्थितियों से निकल करके होता है। द डेवलपमेंट ऑफ इनइक्वालिटी इज थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो भेदभाव देखने को मिलता है, असमानता देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो क्राइटेरियाज हैं, रूल्स ऑफ सोसाइटी हैं, समाज के नियम हैं, या समाजीकरण हमारे यहाँ पे जो एक प्रोसेस है हमारे समाज में, रहन सहन है व्यक्ति का, उसका बोलचाल है, उसके व्यवहार हैं, उन सब के अंदर से ही, जन्म से ही ये जो असमानता है, या कह लीजिए कि जो उसका पालन पोषण है, समाज का जो रहन सहन एटमोसफेयर है, वातावरण है, उन सब के बीच में असमानता की स्थिति पाई जाती है। तो जो डेवलपमेंट है वो, सॉरी, असमानता है, उसका विकास भारतीय समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ऑल सोसाइटीज। इनइक्वालिटी, असमानता के जो आधार होते हैं वो अलग अलग समाजों में एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, यानी कि एक समाज में, एक जगह, हम अपने स्टेट, अपने कंट्री में अदर अदर एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्टेट्स का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अलग है, उनके रूल्स क्राइटेरियाज अलग हैं, हालांकि सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। तो उसके आधार पर जो असमानता है, उसका आधार अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे से अलग पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सोशल इनइक्वालिटी इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। सामाजिक असमानता एक सार्वभौमिक तथ्य होता है, यूनिवर्सल, दैट इज इक्वल, एग्जिस्ट, इट इज़ फॉर्म, इज सेम इन एनी
एनीवेयर ऑल द यूनिवर्स ऑल अर्थ, पूरी पृथ्वी पे जो चीज़ एक समान पाई जाती है उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। तो सामाजिक असमानता जो है ये सभी जगह देखने को मिलती है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री में, अदर कंट्रीज़ में भी है, बस ये कि जो इसका फॉर्मेशन है, इसका रूप है, आकार है, वो अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है कास्ट इनइक्वालिटी। अब हमारी इंडियन सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ पाई जाती है वो किन किन आधारों पर देखने को मिलती है, वहाँ इसमें हम सबसे पहले बात कर सकते हैं कास्ट इनइक्वालिटी की। भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटी एक बिग फॉर्म है, इनइक्वालिटी का, असमानता का एक बड़ा रूप है। जातिगत असमानता यानी कि जाति के आधार पर जो असमानताएँ, जो डिफरेंसेस डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में पाई जाती है उसे हम कास्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी इज अ मेन प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी इवन आफ्टर मैनी चेंजेस देयर हैज़ बीन नो फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। जो कास्ट इनइक्वालिटी है, जातिगत असमानता है, ये भारतीय समाज की एक बिग प्रॉब्लम यानी कि एक मेन प्रॉब्लम है जिसे हम ओल्ड टाइम से आज तक यानी कि टिल डेट तक हम इसे फेस कर रहे हैं। बस ओल्ड टाइम से लेके आज तक का जो इसका प्रोसीजर में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन एग्जिट है, आज भी है इंडियन सोसाइटी में, एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी इवन आफ्टर मैनी चेंजेस देयर हैज़ बीन नो फंडामेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। हालांकि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन जातिगत असमानता के फील्ड में हुए हैं, बहुत सारी चेंजेस इसमें, बहुत सारे रूल्स इसके बनाए गए, लेकिन फिर भी ये भारतीय समाज में आज भी स्थित है। इट इज़ अ ट्रू दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस द रूल्स ऑफ रिलेटिव सोशल कॉन्टेक्ट, फूड रूल्स एंड रूल्स ऑफ ट्रेड, द कास्ट सिस्टम हैव बीन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, बट द एंटायर इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इन थाउजेंड ऑफ कास्ट। और ये भी एक सच है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत सारे चेंजेस, हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके अंदर जो है रूल्स, बहुत सारे लॉज कास्ट इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, जो लोअर कास्ट हैं उन्हें अदर कास्ट के इक्वल लाने के लिए बहुत सारे रूल्स को, लॉ को उसमें फॉर्मेट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद चेंजेस आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत सारे अंतर आ गए हैं, लेकिन कास्ट इनइक्वालिटी आज भी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट पाई जाती है, उसके बाद भी इसे ख़त्म नहीं किया गया है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद जो हमारे समाज में खान पान संबंधी नियम थे, सामाजिक संपर्क था लोगों का एक दूसरे के साथ, उठना बैठना, जो जातिगत असमानता के अंतर्गत जो एक जाति का दूसरी जाति के साथ खान पान संबंधी जो नियम थे, व्यापार के एक दूसरे के साथ उठने बैठने संबंधी जो नियम थे, वो पूरी तरह से टूट गए थे, ख़त्म हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी जो हमारा भारतीय समाज भी वो हजारों जातियों में बटा हुआ है, और बिग प्रॉब्लम ऐसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें टाइम टू टाइम फेस करना पड़ता रहता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में असमानता, जातिगत असमानता की स्थिति, कास्ट रिलेटेड ट्रेंड इन इंडियन सोसाइटी, द रूट्स आर सो डीप दैट इवन टूडे सम कास्टस ट्राई टू कीप देयर डिस्टेंस फ्रॉम देम by considering themselves as pure and superior to other caste। जो जातिगत संबंधी हमारे भारतीय समाज में लोगों की मनोवृत्ति है, उसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी है। यानी कि अगर हम बात कर लें जाति की, अरे मैं नहीं मानता कि ये जात पात क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं एक अपर कास्ट का व्यक्ति हूँ, वो अपने से लोअर कास्ट के व्यक्ति को कुछ दृष्टि से, एक मानव की दृष्टि से वो देखता है, उसके साथ वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, जिसे कि एक लोअर कास्ट का जो पर्सन है वो उसे फेस करता है, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे जन्म लेती हैं। तो सभी तरह की सिचुएशंस हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। अगर हम बात करें कि कास्ट इनइक्वालिटी को हम इससे ख़त्म कर सकते हैं, इससे ख़त्म कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ईजी। इसे कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के मनों में जो छाप है या जो सोच विचार हैं, जो उनके व्यवहार में पाया जाता है जातिगत असमानता को लेकर, जाति को लेकर, वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और इसे एक लंबा समय और बहुत ज़्यादा
आप कहेंगे स्ट्रिक्ट एफर्ट, स्ट्रिक्ट रूल्स इसे ख़त्म करने के लिए और प्रैक्टिकली ख़त्म करने के लिए बहुत लंबा टाइम इसको लग सकता है। तो आज के समय में भी जो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो अपने आप को दूसरी जातियों से अपने आप को शुद्ध वो समझती हैं, सुपीरियर बड़ा समझती हैं, और नीची जाति ऊंची जाति के उसने कंसेप्ट बनाए हुए हैं, उनका जो बिहेवियर है वो अदर कास्ट के लिए अच्छा नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम इससे जन्म लेती हैं। द लोअर कास्ट आर स्टिल ट्रीटेड विद डिस्क्रिमिनेशन इन द विलेज, और गांव में बेसिकली जब हम बात करते हैं भाई संविधान बन गया, संविधान में कानून बन गया है ऑल कास्ट ऑल पर्सन आर इक्वल, नोबडी इज डिस्क्रिमिनेट इन द बेसिस ऑफ सेक्स रिलीजन कास्ट जेंडर, तो ये पूरी तरह से हम कहेंगे कि कानून है हमारे पास लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है, लोगों को उसने बदला नहीं है पूरे तरीके से। शहरों में स्थिति फिर भी अलग है, शहरों में आपको छोटे शहरों में कम बड़े शहरों में बिल्कुल ख़त्म आपको कास्ट जो इफ़ेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो गाँव है गाँव की स्थिति आज भी कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कहीं चेंजेज़ हैं थोड़े बहुत हैं ठीक है। तो गांव में आज भी जो ये जाति के आधार पर भेदभाव है वो एक बड़े स्तर पर आपको देखने को मिल सकता है। इवन आफ्टर द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय लॉ एथलेटिक्स ऑन दलित्स इन मैनी एरियाज इन माइनर थिंग, यानी कि हमारे देश में संविधान में जातिगत असमानता अनटचेबिलिटी छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कानून पूरी तरीके से बन गया है, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो कानून है वो सबके लिए समान है, लेकिन लोगों के व्यवहार में ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है, लोगों की सोच आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसा मैंने आपको बताया गांव में या ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ में जो है आपको दलितों के साथ भेदभाव जो किया जाना उसे बिल्कुल माइनर थिंग के रूप में समझा जाता है कि नहीं ये तो होता है समाज में ये होता है। तो इस तरह से हमने देखा जो